दोस्तों हर एक बंदा यही जानना चाह रहा है कि चंद्रयान 3 कहां तक पहुंचा और उसकी तस्वीरें जो है लोग देखना चाह रहे हैं, पता करना चाह रहे हैं, बहुत ज्यादा तेजी से वायरल हो रही है तस्वीरें। तो मामला क्या है, चलिए आज के वीडियो में यही बात करने जा रही हूं। तो मैं प्रीति गुप्ता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 से कुछ ऐसा दिखा चांद का नजारा, इसरो ने जारी की पहली वीडियो। जी हाँ दोस्तों, और ये तस्वीरें और वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है। तो चंद्रयान 3 मिशन इसरो ने 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था, जैसा कि हम सभी जानते हैं, और इसकी 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की संभावना भी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो ने रविवार 6 अगस्त को चंद्रयान 3 के कैमरे में कैद हुई चंद्रमा की पहली तस्वीर जारी की है, जो कि आप देख ही सकते हैं। चंद्रयान 3 ने शनिवार 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने के बाद ये नज़ारा दिखाया, और वीडियो में और तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि चंद्रमा पर नीले और हरे रंग के कई गड्ढे पड़ गए हैं। आखिर कैसे पड़े गड्ढे, चंद्रमा पर गड्ढे कैसे पड़े? मिशन के अधिकारी ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि 5 अगस्त 2023 को चंद्र कक्षा में चंद्रयान 3 से चंद्रमा का नजारा जो है वो देखने को मिला, और इसरो का मिशन मून अब तक अच्छा रहा है, और इसरो को उम्मीद है कि विक्रम लैंडर इस महीने के अंत में 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग भी कर लेगा। चंद्रयान 3 को 22 दिन पहले ही दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के लिए इसे लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों चंद्रयान 3 को बिना किसी गड़बड़ी के चांद के करीब लाने वाली आवश्यक प्रक्रिया जो है बैंगलोर स्थित अंतरिक्ष इकाई से किए जाने के बाद चंद्रयान जो है 3 ने इसरो को संदेश भेजा, और मैं चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण महसूस कर रहा हूँ। 17 अगस्त तक 3 और अभियान प्रक्रियाएं जो है वो होंगी, और जिसके बाद रोवर प्रज्ञान के साथ लैंडिंग मॉड्यूल विक्रम यान के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा, और इसके बाद लैंडर पर डी ऑर्बिटिंग कवायद की जाएगी। यानी कि चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के महत्वाकांक्षी 600 करोड़ रुपए के मिशन में एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ, और 14 जुलाई को लॉन्च होने के बाद से अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा की लगभग 2/3 दूरी तय कर ली है, और अगले 17 दिन तक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के लिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों ये जो तस्वीरें जारी की गई है, ये तस्वीरें बहुत तेजी से वायरल हो रही है, और चंद्रयान 3 ने ये तस्वीरें पहली बार भेजी है, जो कि चांद की तस्वीरें हैं। अब सिर्फ 4000 किलोमीटर ही बची है दूर। तो क्या समझते हैं आप, चंद्रमा समय पर पहुंच जाएगा? क्या सोचते हैं आप इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, और मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आगे ऐसी जुड़ी बहुत सी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।